एक दिन पहले अरफा के लिए मेरे लिए इंस्पायरेशन थी, अगले दिन ही मैं बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरेशन बन गया। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद ज़हरवान, आल्सो नोन एज साइबर किड। इन द एज ऑफ 4 आई फर्स्ट टाइम टच द कंप्यूटर। पापा स्पॉटेड मी, पापा ने मुझे डांटा नहीं। पापा के अकाउंट से ऐप पर एंग्री बर्ड खेला करता था। वन फर्स्ट टाइम करप्ट की विंडो पापा की, अनएक्सपेक्टेडली माई फादर सेट, यू हैव कॉज अ ट्रबल, नाउ फिक्स इट योर सेल्फ। देयर इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड सेल्फ लर्निंग। 5 years की एज में मुझे विन एक्सपी इंस्टॉल करनी आती थी। इन क्लास 2 आई ज्वाइंड एन अकेडमी फॉर समर वेकेशन वर्क, बट देयर इज़ माई गुड लक अवेटेड। मैं कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज की क्लासेज में ज़्यादा मिलता और क्लास 2 की क्लास में कम ही मिलता था। सर ने मेरे पापा को कॉल की और कहा कि आप समर वेकेशन वर्क घर में मैनेज करवा लें और जो कंप्यूटर की लर्निंग्स है वो मैं हुज़ैर को प्रोवाइड करूँगा। सर ने मुझे जनरेटर हैंडलिंग, फोटोकॉपियर, प्रोजेक्टर, लैब सब कुछ सिखाया और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस भी लेना शुरू हो गया अकेडमी में, जैसे विंडो इंस्टॉलेशन का शॉर्मा, डाटा रिकवरी का भी एक्सरसाइज डेरी मिल्क और फिर पासवर्ड रिकवरी का पिज़्ज़ा। शायर क्या खूब फरमाता है, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज़ भरता गया जूं जूं दवा की। फिर उसके साथ साथ मैं वर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लासेस देना शुरू की फाउंडेशंस की। द फर्स्ट टाइम सर ने कहा कि आज आपकी बारी, आज आपने क्लास देनी है, तो आई वॉज सॉफ, बट आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ और आज जिस मुकाम पर हूँ इस वजह से। वन डे माई सर कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे कहा पास बिठा के कि ARFA लिखा गूगल पर और आगे अरफा करीम पूरा लिखा आया। सर ने कहा क्या आप चाहते हो कि आप HUZA लिखो, तो हुज़ैर रवाना की पूरा लिखा है। मैंने कहा यस सर, वाई नॉट। उस दिन से मुझे इंस्पायर हुआ, साथ साथ पापा को भी देखता था कंप्यूटर पर काम करते हुए, फिर पापा ने भी सपोर्ट किया, कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया, माई चाचू ऑल्सो सपोर्टेड मी, स्कूल टीचर्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे जो मेरे अगेंस्ट टाइम थे उस वक्त जब मैंने कंप्यूटर को टच किया। और आई रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, कंप्यूटर अच्छा नहीं, बच्चे ख़राब होते। सब अगेंस्ट दैट टाइम थे, बट माई पापा सपोर्टेड, माई फैमिली सपोर्टेड, मम्मा भी मेरे उस वक्त अगेंस्ट दैट टाइम थी कि आई साइड वीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेयर। उसके बाद से 7 years की ऐसे आई ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ अरफा करीम इन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल, एंड आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन डॉक्टर एगिकॉन गोल्ड मेडल अवार्डेड बाई नजरिया पाकिस्तान एंड अरफा करीम फाउंडेशन अवार्डेड मी अ गोल्ड मेडल टू। इन द एज ऑफ 8 आई मेड माई ओन रिकॉर्ड इन IT सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल एट द एज ऑफ 8 एंड आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगस्ट स्टूडेंट इन 150 कंट्रीज एंड अराउंड अबाउट 12 million स्टूडेंट्स। After this certification, Governor Punjab awarded me a gold medal. इसके साथ साथ अब मैं रोबोटिक डेवलपर भी हूँ, साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ही रोज पे काम करना चाहता हूँ, रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक मेरा प्रोजेक्ट हैंडशेक रोबोट जो रिसेंटली मैंने डेवलप किया था, वो अपना इंट्रोडक्शन भी देता है और आपके साथ हैंडशेक भी करेगा। और उसके साथ कार ट्रैकर है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो आप उससे उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको जाम कर सकते हैं या सायरन ऑन कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे होम ऑटोमेशन है, आप ऑफिस में बैठे हुए अपने घर की लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहा हूँ और आजकल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट फोरम्स पे गेस्ट स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर इन्वाइट किया जाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि वी कांट डू दिस, इट्स ऑल कैन बी डन बाई इंस्पायरेशन, मोटिवेशन। अगर आप उस चीज़ से इंस्पायर हैं, उस चीज़ से मोटिवेटेड हैं, तो यू कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। फ्री टाइम में मैं गिटार प्ले करता हूँ, उसके साथ साथ बास्केटबॉल, बैडमिंटन प्ले कर लेता हूँ, साथ मैंने एक पेट रखा हुआ है लैब्रा, जिसके साथ सुबह का टाइम और शाम में टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके साथ ही एक्सरसाइज वगैरह कर ली और टाइम स्पेंड कर लिया। चलें फिर आपको एक टून सुनाता हूँ।
एट द एंड मैं मैसेज ये देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को जो कि फोनर्स पोइट्स को पढ़ते हैं, अगर मेरे कहने पर एक बार हमारे नेशनल पोइट डॉक्टर इल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ लें तो दुनिया आपको पढ़ना शुरू हो जाएगी। एक दिन पहले अरफा करीम मेरे लिए इंस्पायरेशन थी, अगले दिन ही मैं बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरेशन बन गया एंड इंशाल्लाह आई विल सर्व इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड टू माई कंट्री। इंशाल्लाह मैं आगे जापान जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में लर्निंग लेना चाहूँगा और आकर अपनी कंट्री को सर्व करूँगा।